हिम शिखर पर भगवान शिव के सम्मुख पार्वती अपनी सखियों जया विजया के साथ आकर उनकी आराधना करती है। यद्यपि नंदी उनका स्वागत करता है, किंतु भीतर से वो भगवान शिव के कारण भयभीत भी है। उधर देवगण ब्रह्मा को खोजकर उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सरस्वती उन्हें ब्रह्मदेव के रचनात्मक कार्य में बार बार बाधा डालने से टोकती हैं, पर नारद वहां आकर देवगण के पक्ष में ब्रह्मा जी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होने पर वे भोलेनाथ शिव की शरण में जाने का आदेश देते हैं। इसके लिए वे काशी विश्वनाथ की महिमा का गुणगान करते हुए उसे शिव की श्रेष्ठ भूमि और परम पूज्य ज्योतिर्लिंग बताते हैं और उसी की आराधना करने के लिए कहते हुए अर्धनारीश्वर से उत्पन्न नर नारी की कथा का वर्णन भी करते हैं। कितनी अद्भुत है ये काशी नगरी, मन प्रसन्न हो गया। ऐसी अलौकिक नगरी देखकर आंखें धन्य हो गईं। मन में ऐसी प्रेरणा जागृत हो रही है कि हमें शिव आराधना करनी चाहिए। मेरी आत्मा भी इसकी इच्छुक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निखर आया है शिवा। हाँ, मन भी मुखर हो उठे हैं। दोनों तपस्या में लीन हैं। ओम नमः शिवाय। तपस्या पूर्ण हो गई। तपस्या का प्रतिफल इन्हें प्राप्त होना चाहिए। अवश्य। तो चले पृथ्वी पर। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो। हमसे उत्पन्न पुरुष एवं प्रकृति आंखें खोलो। हमारी ओर देखो। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम अपने जिन माता पिता के दर्शन के लिए व्याकुल थे, वे हम ही हैं।
जानना चाहते थे कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। वे हम ही हैं जिनके द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का पालन करते हुए आदर्श नर नारी का रूप प्रस्तुत किया है। हम तुम दोनों से प्रसन्न हैं। कहो, तुम क्या चाहते हो? अपनी मनोकामना कहो, हम उसे पूर्ण करेंगे। हम क्या बताएं कि हम क्या चाहते हैं? हमारी मनोकामना क्या है हमें ज्ञात नहीं। हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं, आप ही बताएं कि हमें क्या मांगना चाहिए। हाँ, उचित यही होगा कि आप हमें बताएं कि हमें क्या चाहिए। प्रभु, हमसे उत्पन्न इन जगत के प्रथम नरनारी युगल की तपस्या को अमर करने के लिए आप सदा सदा के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। आपके ज्योतिर्लिंग की आराधना से काशी में मुक्ति कामना से आए आपके भक्तों का कल्याण होगा। तथास्तु। पड़ने पर शिव के भक्त जनों ने पुकारा, जब संकट पड़ने पर तब तब ज्योतिर्लिंग पधारे। अगर अमर शिव शंकर, 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 अगर अमर शिव काशी नगरी वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, मुक्ति धाम है ये काशी जो शिव जी का है प्रिय नगर। अभिमुक्तेश्वर लिंग है जिसकी स्वयं प्रभु ने स्थापना की, इस लिंग के हर शिव धन ने पाशुपत योग से पूजा की। यह पे प्रकृति और पुरुष ने शिव शक्ति का ध्यान किया, उनको अर्पित होते अर्जित यह पे मन का ध्यान किया। काशी के